हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती निकली हुई है। आप सभी को पता भी होगा, एडवर्टाइजमेंट है 4/2019। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSC ने ही निकाल रखी है। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको अभी अपना जो ग्रुप डी का फॉर्म है वो अप्लाई नहीं करना है। तो दोस्तों, आज आप 9 अप्रैल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस वजह से मैंने मना किया था, उस वजह को अब सॉल्यूशन कर दिया गया है। उस चीज़ का यहाँ पे बताना चाहूँगा। टोटल 250 पद हैं और अब 978 पद है दोस्तों। पहले 249 पदों के लिए निकली थी, फिर इसमें मॉडिफाई करके 978 पद कर दिए गए थे। उम्र 18 से 42 साल है दोस्तों। योग्यता 10वीं पास, आप केवल 10वीं पास है। किसी भी बोर्ड से आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीस आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डिटेल आई है वो आ गई है। पहले इन्होंने वैकेंसी वाइज, ग्रुप वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कोई डिटेल नहीं दे रखी थी कि आपकी जाति की इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है। अब ये डिटेल दोस्तों आ चुकी है, ठीक है। अब मैंने इसमें लिख रखा कि यदि आप गलत डिपार्टमेंट सेलेक्ट, यानी कि आप ऐसा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हो जिसके अंदर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी ही नहीं है, आपने जो पोस्ट अप्लाई की है वो वैकेंसी ही नहीं है उस डिपार्टमेंट में, तो आपका सिलेक्शन शायद ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये जो साइट पे आज नोटिस डल चुका है और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट डिटेल यहाँ पे डल चुकी है। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपका एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आपको PDF फाइल डाउनलोड करके ओपन करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है और यहाँ पे एक कैटेगरी इन्होंने दे रखी है। देखिए यहाँ पे SC कैटेगरी की 2 पोस्ट है। यदि आप ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा इस पोस्ट को अप्लाई करने का, क्योंकि आप इस कैटेगरी, इस पोस्ट डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, ये नोटिस आप चेकआउट कर सकते हैं और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों, बस यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा, आप सभी का दिन शुभ रहे।